ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या कौन कौन से स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। उसके बाद हम लोगों ने 1857 की क्रांति देखी, 1857 का रिवॉल्ट देखा, फिर जितने भी कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स वगैरह लिए गए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना होती है, किस प्रकार जो उसके दो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विंग होते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस का कह सकते हैं स्प्लिट होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था वह साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से बढ़ा और किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिफरेंसेस थे उसको महात्मा गांधी ने सॉर्ट आउट किए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गांधी जी का भारत आगमन हो चुका है और भारत में वो अपने प्रारंभ में तीन प्रमुख जो है आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है कह सकते हैं कि खेड़ा का, और तीसरा अहमदाबाद का। तो ये पूरे के पूरे जो है हम लोग एक एक जो है सत्याग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके क्या क्या कारण थे, क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकले और आम जनमानस में गांधी जी की छवि किस प्रकार से जो है बनती गई एक महात्मा के रूप में, एक पॉपुलर और मास लीडर के रूप में। तो आइए आज हम लोग सर्वप्रथम जो है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन जो है, या इसे इंडिगो जो है कह सकते हैं कि नील की से संबंधित है, तो इसे नील आंदोलन भी कहा जाता है बहुत इतिहासकारों के द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो चंपारण देखिए एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। चंपारण एक उस कार्यकाल में और अभी भी चंपारण है, चंपारण एज इट इज अभी भी बिहार का कह सकते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट नाम है, ठीक है जी। तो ये तिरहट डिवीजन जो है नॉर्थ बिहार में, मतलब ऊपरी बिहार जो है, तराई रीजन जो है कह सकते हैं नेपाल से नीचे और गंगा से ऊपर, तो नॉर्थ बिहार का यह एक पार्ट है, तिरहट डिवीजन में पड़ता है। यह एग्रीग्रियन डिस्कंटेंट वहाँ अधिक बढ़ रहा था, असंतोष की भावना जो कृषि जो किसान थे उसमें बहुत ही पनप रही थी। इसके क्या कारण थे इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए वहाँ जितने भी यूरोपियन प्लांटर्स थे, मतलब जैसे अभी भी देखोगे तो जितने भी जैसे चाय वगैरह की जो पहले जो खेती प्रारंभ किया गया था वह यूरोपियन के द्वारा प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब है कि जितने भी यूरोपियन कल्टिवेटर्स थे वो भारत आके, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका जाके, और जहाँ जहाँ भी उनको अनुकूल वातावरण मिलता था वहाँ जो है वो जो है चाय की खेती करवाया करते थे। ठीक उसी प्रकार जो है इंडिगो नील की खेती करवाया करते थे। कौन कौन करवाया करते थे? तो यूरोपियन प्लांटर्स, जो कि यूरोपियन के कह सकते हैं कि अमीर जो लोग थे, जो प्लांटर्स थे, वो आम किसानों को जो है से जो है उनकी उनके ही खेत पर पहले पूंजी देकर नील की खेती करवाया करते थे, ठीक है जी। और बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह भी इस्टेब्लिश किया गया चंपारण में एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, 19वीं सदी में। आगे है कि लार्ज पार्ट ऑफ द चंपारण वॉज हेल्ड बाई द थ्री प्रोपरेटर, द बेटिहार, रामनगर एंड मधुबन। मधुबन डिस्ट्रिक्ट बन गया अब। तो ये तीन जो है प्रमुख जो है जगह था, बेटिया, रामनगर और मधुबन, ये चंपारण के अंतर्गत आता था, जहाँ की बहुत सारे धनी वर्ग के लोग थे और कह सकते हैं बहुत सारे किसान थे और बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ लगे। बहुत सारे यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने नील की खेती को प्रारंभ किया। तो देखिए जब नील की खेती शुरुआत की गई थी तो इसकी बहुत ही बढ़ चढ़ कर बिक्री होता था, जिससे कि प्लांटर्स वगैरह यहाँ आकर जो है मुनाफा कमाना उचित समझा। बट जर्मनी में कह सकते हैं कि एक मेन कारण यही था कि जर्मनी में आर्टिफिशियल जो है नील का उत्पादन होने लगा, जिसके कारण बिहार का नील या चंपारण का नील या फिर कह सकते हैं हैंडमेड नील जो था, नेचुरल नील, वो नेचुरल इंडिगो की जो डिमांड है वो घट गई। खैर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दिस विलेज वर नॉट मैनेज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, और ये सब जो विलेज थे वो कि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा मैनेज नहीं किए जाते थे, ठीक है जी। बट वर लीज टू द ठेकेदार, एक देखिए ठेकेदारी जो होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होती है और टेम्प्रोरी टेन्योर, वो ठेकेदारी प्रथा वहाँ चल रहा था।
एक टेम्पोररी टेन्योर, कुछ ही समय के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है जी। इसके आगे ऑफ होम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप वेयर द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर, मैंने पहले ही बताया कि जो जितने भी रिच वगैरह जो थे, जिनके पास पूंजी थी, वह थे यूरोपियन के प्लांटर्स, जिनके पास निवेश करने की क्षमता थी, जिन्होंने फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश किए। आगे द बेसिक इशूज ऑफ द ट्रबल वॉज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट कल्टिवेशन, और जो मेन इशूज था, जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स का जो मेन बिंदु था, वह इनडायरेक्ट कल्टिवेशन था, अप्रत्यक्ष रूप से खेती कराया जाना, जिसमें क्या है, किसानों की जो भूमि होती थी उसे लैंड लीज पर दिया जाता था। मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ एक पार्ट की भूमि है, उसे आपको लीज दे दिया और थोड़ी बहुत पूंजी दे दी गई कि जैसे ये आपका लैंड का पार्ट है, इसमें कह दिया गया कि आप वो हम जो बोलेंगे वही फसल आपको रोपना होगा, उगाना होगा, और उसके बाद इसके जो प्रोड्यूस होंगे वह हम जो है खरीदेंगे आपसे। और तो इसके साथ होता क्या था, देखिए आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे कि लीज लैंड पर दिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा, ठीक है जी, बाइंडिंग देमसेल्फ टू ग्रो इंडिगो ईच ईयर ऑन स्पेसिफाइड लैंड इन रिटर्न फॉर एन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द कल्टिवेशन सीजन। देखिए शुरुआत में ही यह कह दिया जाता था कि भाई हम आपको पूंजी दे रहे हैं, आपको एडवांस में दे रहे हैं, पहले ही पैसा दे दिया करते थे और कहते थे कि मैं जिस फसल को, फसल यहाँ कहने का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ नील की ही खेती करें, मतलब सिर्फ आप इंडिगो का ही कल्टिवेशन करेंगे अपने खेत पर। आगे है कि इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड अंडर द सिस्टम कॉल तीन कठिया, एक तीन कठिया सिस्टम है जिसके तहत जो है नील की खेती कराया जाता था, ठीक है जी, जिसमें होता क्या था कि जो इंडिगो की कल्टिवेशन होती थी वह 3/20 ऑफिस होल्डिंग, मतलब एक कह सकते हैं कि एक प्लॉट है, इसके 3/20 हिस्सा अगर बांट करते तो 3/20, मतलब तीन हिस्सा छोड़ के, तीन कठिया सिस्टम छोड़ के बाकी जितने हिस्से रहते थे उसमें इंडिगो की खेती कराई जाती थी, जो कि कह सकते हैं कि बेस्ट पोर्शन ऑफ द लैंड था, जो कि किसान का सबसे अच्छा जो भूमि होता था उस पर नील की खेती कराई जाती थी, और नील का जो है जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, और जो है उससे जो है जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो मुनाफा कमा सके। आगे प्लांटर्स ऑलवेज फोर्स्ड देम टू सेल, प्लांटर्स को ऑलवेज मतलब हमेशा, पहले ही देखिए पूंजी दे दिया जाता था, लीज पर दे दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता था कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस ज़मीन पे नील की खेती करेंगे, और यह नील जो है सिर्फ आप हम ही को बेचेंगे, वो और किसी को नहीं बेच सकता था, और बेचा भी जाता था किसके दाम तय करने पर, किसान अपने से दाम नहीं तय करते थे, किसान का जो दाम तय करता था वही तय करता था, वही पूंजीपति और वही कह सकते हैं प्लांटर्स तय करते थे कि भाई आपको इसी मूल्य पर बेचना होगा। इससे होता क्या था, फोर्स टू सेल मतलब ज़बरदस्ती उसे खरीदा जाता था, इससे होता था कि कम और औने पौने अन इकोनॉमिक प्राइस पे, मतलब औने पौने दाम पर डरा धमका कर जो है फसल को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि छीन लिया जाता था, ठीक है जी। तो डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडियन इंडिगो इन द वर्ल्ड मार्केट वॉज डिक्लाइन, एक समय ऐसा आया कि इसकी जो डिमांड थी इंडिया इंडिगो की मतलब नील की वह घटने लगी, और घटने का कारण जो था वह है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी। जर्मनी का कह सकते हैं कि एक समय के बाद बहुत ही तीव्र गति से मैन्युफैक्चरिंग हब बना, वहाँ सिंथेटिक इंडिगो जो है अब मैन्युफैक्चर होने लगा, कह सकते हैं कि मैन मेड इंडिगो। तो इस नेचुरल इंडिगो या फिर जो कह सकते हैं कि खेती में उपजाया गया इंडिगो था, जो इंडियन इंडिगो था, उसकी डिमांड जो है, मांग जो है वो घटने लगी। अब जब मांग ही घटने लगा तो फसल बिकेगा ही नहीं, जब फसल ही नहीं बिकेगा तो इसमें बहुत अधिक लॉस हो रहा था, किसको, प्लांटर्स को। कौन प्लांटर्स, यूरोपियन प्लांटर्स। द मोस्ट प्लांटर्स एट चंपारण रियलाइज्ड दैट इंडिगो कल्टीवेशन वॉज नो लॉन्गर अ पेइंग प्रोपोजिशन। अब जैसे जैसे डिमांड घटने लगा तो जितने भी चंपारण के कल्टिवेटर्स थे, कह सकते हैं कि उनको जो है अब प्लांट की, कह सकते हैं प्लांटर्स के द्वारा खेती कराने के लिए अब उतना पूंजी वगैरह नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल नहीं रहा, बहुत अधिक जो है इसमें अब मुनाफा नहीं होता है। तो प्लांटर्स ट्राई टू सेव देयर ओन पोजीशन, और प्लांटर्स जितने भी थे यूरोपियन, जो विदेशी प्लांटर थे, कह सकते हैं जो अंग्रेज थे, वो अपने आप को बचाना चाहते थे, अब अपनी पोजीशंस को सेव करना चाहते थे,
एंड बियर द बर्डन ऑफ द लॉसेस एंड द टेनेंट्स, जो जिनको लीज पर जमीन दिया जाता था, जो गरीब किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, जिनको लीज पर जो है खेत दिया जाता था, सारा का सारा अब बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया। दे ऑफर टू रिलीज द टेनेंट्स फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो विच वॉज अ बेसिक कंडीशन इन द एग्रीमेंट विद द प्लांटर्स इफ द लेटर पेड कंपनसेशन और डैमेजेस अपार्ट फ्रॉम दिस द प्लांटर्स हैवली इन्फ्लेटेड द रेंट एंड इम्पोज मेनी इलीगल लेवीज ऑन द टेनेंट्स। कहने का देखो मेन यहाँ मतलब यह है कि जितने भी कह सकते हैं कि इसकी रुपाई बुबाई कुड़ाई मतलब या फिर जितनी खाद वगैरह की व्यवस्था, इसको निकालने की व्यवस्था, एक किसान को फसल रोपने से इसको पकने तक की बहुत सारी कह सकते हैं इसमें पूंजी की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो जितने भी इसमें खर्च लगा था, अब जो है यह यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे वो इस खर्च को बहन नहीं करना चाहते थे, बिकॉज इसके डिमांड बहुत ही कम गए थे। वह चाहते थे कि अब इसका जो बोझ है, मतलब इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है, जितना भी इसमें पूंजी लगी है, वह सब के सब वह रोपने वाले लैंडलेस फार्मर्स या फिर कह सकते हैं कि वो छोटे मजदूर किसान प्लांटर्स जो है इसको जो है भरने को तैयार नहीं थे। सारा का सारा बोझ जो है मजदूर किसान पर थोप दिया और कह दिया गया कि अगर आप अपनी ज़मीन को छुड़ाना चाहते हैं, आप अगर नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, तो जितना का जितना बोझ है वो आप ढोएं, मतलब कह सकते हैं इस बोझ की रकम को आप अदा करें और आपकी खेत को अब स्वतंत्र कर दिया जाता है, किसी भी फल को या फिर किसी भी पौधे को, किसी भी कह सकते हैं क्रॉप को आप अब कल्टिवेट कर सकते हैं। तो ये छूट तभी दिया गया या फिर देने की बात की गई जब जो है इस कंपनसेशन और डैमेज को वो अगर पेड करते हैं तो, मतलब देते हैं तो, ठीक है जी। और इस प्रकार से जो है जितने भी मजदूर किसान थे जो रेंट पर लेके या फिर जो लेबरर्स किसान थे उनको जो रेंट पर लेकर खेती किया करते थे उनके ऊपर इलीगल लेवीज डाल दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि एक बोझ डाल दिया गया कि आपको अपनी अगर ज़मीन छुड़ानी है, आपको कोई अदर क्रॉप रोपना है, आपको खेत को मुक्त कराना है, तो आपको इतना जो है रकम देना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको लेकर टेंशंस और कह सकते हैं कि और अधिक बढ़ गई। तो गांधी टुक नो इंटरेस्ट इन द केस ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ द चंपारण। देखिए गांधी जी को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता नहीं था। भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ दक्षिण से लेकर पूर्व, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर तक बहुत कह सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम एक बहुत बड़े राष्ट्र हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी को इन तमाम चीज़ों के बारे में उतना अधिक मालूम नहीं था, इसलिए लखनऊ जो सेशन लखनऊ जो सेशन हुआ था 1906 में, मतलब 1916 में, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन तमाम चीज़ों के बारे में उनको उतना अधिक ज्ञान नहीं था, ज्ञात नहीं था। इन जो है इंडिगो कल्टिवेशंस के दयनीय स्थिति पर वो अपना जो है मत जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि उनको इनके बारे में अधिक मालूम नहीं था, ठीक है जी, ठीक है जी। बट राजकुमार शुक्ला, देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये नाम है, आप इसे याद रखना, राजकुमार शुक्ला, यह एक पीजेंट्स थे, किसान कह सकते हैं, फ्रॉम चंपारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ही थे। एंड एस्ट्रेनियस इफॉर्ट्स प्रिवेल अपॉन गांधी टू विजिट चंपारण एंड गांधी अराइव्ड इन बिहार एंड स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इन पर्सन। देखिए राजकुमार शुक्ला के द्वारा गांधी जी को अप्रोच किया गया, उन्हें जो है बिहार बुलाया गया, चंपारण बुलाया गया और कहा कि चलिए आप चंपारण की दयनीय स्थिति को एक बार देखिए और वहाँ पर जाने के बाद आप जो है कुछ इनके उत्पीड़न को कम करने के लिए कुछ करें। तो उन्होंने आने चंपारण आने के बाद सबसे पहले इस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना प्रारंभ कर दिया, मतलब आखिर मूलभूत चीज़ें जो है बेसिक चीज़ जानना होता है कि भाई आखिर कोई भी अगर घटना घटती है तो उसके पीछे क्या कारण है या फिर इस घटना की अभी स्थिति क्या है। तो जिस प्रकार से जो है कल्टिवेटर्स की दयनीय स्थिति थी उन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने खुद जो है इसकी जांच पड़ताल और जांच परख करना प्रारंभ कर दिए। वेन ओ ही रिच मोतिहारी, जब यह मोतिहारी पहुंचते हैं, उस समय का हेडक्वार्टर्स था अंग्रेजों के ज़माने का डिस्ट्रिक्ट चंपारण का, तो मोतिहारी में आने के बाद इनको मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि आप चंपारण को छोड़ दें, आप चंपारण में ना रहें, आप चंपारण से चले जाएं, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी डिसाइडेड टू डिसओबे द ऑर्डर, लेकिन गांधी जो इस बातों को और इनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देते हैं एंड आउट ऑफ अ सेंस ऑफ द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह जो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस था
कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी की भावना अपने लोगों के प्रति, भारतीयों के प्रति, समाज के प्रति, पब्लिक के प्रति उनका उन्होंने निर्वहन करना जो है स्वीकार किया, और वह जो ऑर्डर्स दिया गया था कि आप चंपारण से चले जाएं, वह उस ऑर्डर्स को ठुकरा देते हैं, उसे डिसओवे करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इमिडिएटली अरेस्टेड, उसे उन्हें तुरंत जो है बंदी बना लिया जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी ट्रायल चलती है। बट द बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर द कमिश्नर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू अबैंडन्ड द प्रोसीडिंग्स एंड ग्रांट गांधी द फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए इसके बाद होता क्या है कि वहाँ का जो कमिश्नर्स होते हैं और डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, गांधी के ऊपर जो कह सकते हैं उन्हें अरेस्ट किया गया था और उन पर जो चार्जेस लगे थे उन्हें कह सकते हैं ख़त्म कर देता है, रद्द कर देता है, और गांधी जी को एक सहूलियत के नाते कुछ मेंबर्स के कमेटी को गठन किया जाता है जो कि इस जो है परिस्थिति का, इस जो उत्पीड़न वाली स्थिति है या जो दयनीय स्थिति है किसानों का या फिर किसानों के साथ जो यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा मतभेद किया जा रहा है, उनका कह सकते हैं शोषण किया जा रहा है, उनके ज़मीनों को उनसे अब छोड़ा नहीं जा रहा है, उन पर अधिक जो है कर के माध्यम से या फिर कह सकते हैं अधिक वसूली की जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है एक इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक स्मॉल कमेटी का गठन होता है जिसमें गांधी जी भी उसके मेंबर्स रहते हैं। आगे गांधी वॉज वॉन्ट नॉट टू स्टार्ट अप द ट्रबल, लेकिन गांधी जी को ये सलाह दी जाती है कि आप इस मुद्दे को इतना ना उछाले जिससे कि समस्या और अधिक जटिल हो जाए और अधिक इसमें परेशानी हो। बट ही वॉज फ्री टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वह अब जो है कह सकते हैं जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है जी। इनटू द कल्टिवेटर ग्रीवेंसेस, जितने भी कह सकते हैं कि छोटे मोटे किसान के मजदूरों की जो समस्याएं थी उनके कह सकते हैं शिकायत के निवारण के लिए जो है वह इसके लिए अब स्वतंत्र थे कि उसकी जांच पड़ताल कर सके। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड चंपारण एग्रीग्रियन कमिटी विथ गांधी एज वन ऑफ इट्स मेंबर, और हाँ वहीं के साथ जो है चंपारण एग्रीग्रियन कमेटी, मैंने पहले ही बताया, का निर्माण किया जाता है, उसमें गांधी जी को एक मेंबर्स बनाया जाता है। द कमिटी यूनैनिमसली रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ द टिन कठिया सिस्टम। देखिए अब कमेटी का जो रिपोर्ट आता है उसमें कहा जाता है कि आप टिन कठिया जो सिस्टम है उसे एबोलिस्ट कर दें, ठीक है जी, एंड मेनी इलीगल एक्सट्रैक्शन अंडर विच द टेनेंट्स ग्राउंड, और बहुत सारे ऐसे वह प्रक्रिया जिसके जरिए कह सकते हैं आम और गरीब किसानों का शोषण हो रहा था, उन तमाम जो है प्रक्रियाओं को अब प्रतिबंध करने के लिए, या जो अमानवीय, जो इलीगल और अनैतिक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो गैर कानूनी हो, इलीगल हो, उन तमाम चीज़ों जो माध्यम अपनाए जा रहे थे आम किसानों को शोषण के लिए, उसे अब बंद करने की बात कही जा रही है। द इन्हेंस्ड रेंट वॉज रिड्यूस्ड, और जो रेंट को इन्हेंस्ड किया था उसे रिड्यूस कर दिया गया। एंड एज फॉर द इलीगल रिकवरीज, और जितने भी इलीगल रिकवरीज किया गया था किसानों से, वह कमेटी रिकमेंड करती है कि 25% उसमें रिफंड दिया जाए, मतलब जितना भी अवैध वसूली किया गया है किसानों से यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उसमें से 25% जो है अब वापस करना होगा। द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वॉज इंक्लूडेड इन द चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट ऑफ 1917। तो चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट ऑफ 1917 में जो है, इस एक्ट में जो है तमाम उस कमेटी के रिकमेंडेशंस का वर्णन किया गया है। आगे द चीफ सपोर्टर्स ऑफ द गांधी केम फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जितने भी शिक्षित वर्ग थे वो तो गांधी जी को साथ दे ही रहे थे। इसमें प्रमुख जो हस्ती हैं, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, फिर है गोरख प्रसाद एंड कृपलानी, इन तमाम लोगों ने जो है उस समय में गांधी जी का बहुत ही बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और मदद किया। एजुकेटेड क्लास के साथ साथ जो है सिटीज़ के वर्कर्स वगैरह भी इसमें क्लोज एसोसिएट थे और गांधी जी की मदद कर रहे थे। लोकल महाजन ट्रेडर वगैरह भी गांधी जी का सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। मुख्तार्स वगैरह भी इनको जो है, विलेज के जो प्रधान वगैरह होते थे वो सब भी इनकी मदद कर रहे थे। फिर इनके साथ साथ जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए, वो लोग रियल मैसिव सपोर्टर थे, मतलब बहुत मास कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े स्केल पे महात्मा गांधी को यह सपोर्ट कर रहे थे, जो आम किसान थे, जो आम नागरिक थे, जो आम मजदूर किसान थे। तो ये पूरे के पूरे कहा जाता है गांधी जी फिर बुलॉक कार्ट्स वगैरह पे ट्रैवल करते थे, आम हिंदी भाषा में बोला करते थे, आम कपड़े पहना करते थे, इससे उन्हें अपनापन लगता था। जैसे जो आपकी तरह बोलता हो, जो नेता आपकी तरह बोलता हो, आपके
की तरह कह सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज की भाषा बोलता हो, आपकी तरह पहनावा उड़ावा हो, खान पान हो, रहन सहन हो, आपकी तरह से उनका जीवन यापन हो, तो आम लोगों के मन में वह अधिक रचते और बसते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल जो है हम लोगों ने यहाँ जाना कि गांधी जी ने किस प्रकार से चंपारण आंदोलन में किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ा और तिनकटिया सिस्टम को एबोलिस्ट करवाया, 25% का कह सकते हैं कि रिफंड दिलवाया। तो ये 25% एक छोटा रिफंड नहीं है, ये देखने में बड़ा छोटा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर तो किया, रिफंड कितना दिया ये मैटर नहीं करता, कितना प्रतिशत दिया, 25% दिया या 50% दिया या 100% दिया, सबसे बड़ी बात है जो अंग्रेज उसको भगा रहा था, मतलब गांधी जी को कह दिया था, ऑर्डर दे दिया था कि आप चंपारण से चले जाएं, अंग्रेज जो कह सकते हैं भारतीयों किसानों का जो शोषण कर रहा था, कम से कम इससे तो छुटकारा मिला। और इसके साथ साथ 25% ही सही लेकिन अंग्रेजों को वापस करने पर बाध्य होना पड़ा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी एक मास लीडर के रूप में वहाँ उभरे, और इसके बाद जो है खेड़ा और अहमदाबाद में भी दो आंदोलन होता है। इन तीन आंदोलन गांधी जी साउथ अफ्रीका के आने के बाद करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, अब मिलेंगे अगले क्लास में एक अगले वीडियो के साथ। सो डैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज हैं, कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव ग्रेट डे।